नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ और एट्थ क्लास के एग्ज़ाम फॉर्म 2024 की, जिसमें कुछ अपडेट्स आए हैं। उन अपडेट्स के बारे में आप बात करेंगे कि उसमें आवेदन के लिए क्या क्या अपन को कार्य करना है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले अपन को पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल है ना, उसके डाटा वगैरह अपन को चेक करना है। पीएसपी पोर्टल से अपन डाटा निकालेंगे और शाला दर्पण से अपन डाटा निकालेंगे। दोनों से अपन डाटा निकाल के बच्चों के जो करेक्शन हैं डाटा में, जिसमें नाम, पापा का नाम हो गया, डी ओ बी हो गई, कैटेगरी हो गई, इटी, मतलब ये जो मेजर जो अपन को मैंडेटरी फील्ड है ना, उन फील्ड्स को अपन करेक्शन कर लेंगे। जिसमें डाटा वगैरह सारे चेक करने के बाद में, अगर कोई बच्चा फिफ्थ या एट्थ क्लास में अपने पास आरटी का पढ़ रहा है, उसके डाटा करेक्शन से रिलेटेड अगर कोई है, तो अपन एक लेटर हेड पे अपन उस बच्चे की डिटेल मेंशन करेंगे, क्या करेक्शन करवाना वो मेंशन करेंगे, और पीएससी पोर्टल की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे अपन मेल करेंगे। ये कार्य करने के बाद में अपन को एक फिफ्थ और एट्थ क्लास के जो बच्चों के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनकी फ़ोटो और सिग्नेचर्स अपन को रेडी करवाने हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर्स वगैरह बच्चों की जो पहले जो साइजेस थी, उस साइजेस में अपन तैयार करके रख लेंगे, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपन स्कैन करके एक एक एसआर वाइज अपन सेट करके उसको तैयार करके रख लेंगे। डाटा के साथ में अपन ये फ़ोटो और सिग्नेचर तैयार कर लेंगे, ठीक है। और मैं ज़्यादातर अपन देखेंगे कि फॉर्म भरते टाइम अपन को थर्ड लैंग्वेज का इशू आता है, जो स्कूल्स को जो मतलब जो भी स्कूल है उसके हिसाब से जो मान्यता है, मान्यता के अनुसार जो भी उनको स्कूल्स को थर्ड लैंग्वेज मिली, किसी को संस्कृत मिली है, किसी को उर्दू मिली है, तो उसके अनुसार ही अपन को फिलअप करना है। ना कि जैसे किसी स्कूल को संस्कृत मिली है और उन्होंने थर्ड लैंग्वेज उर्दू डाल दी, तो फिर लास्ट में फॉर्म के बाद में दिक्कत आएगी अपन को, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और शाला दर्पण, एक और इशू इसमें आ रहा है प्रवेश से रिलेटेड फिफ्थ और एट्थ में। जैसे अपन शाला दर्पण को अपन लॉगिन करेंगे, तो ये लॉगिन नहीं होगा, यहाँ से अपन लॉगिन करेंगे लॉगिन नहीं होगा, तो इस लॉगिन से रिलेटेड एक इशू आ रहा है। तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो P6275 है ना, कोई भी पीएसपी कोड है, इसके बीच में पी के बाद में स्पेस देंगे, फिर अपन एंटर करके देखेंगे। उसके बाद में भी अगर हो रहा है तो हो जाएगा, ओवरऑल थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो सकता है इसमें, उसकी वजह से होता नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके वहाँ से अपन उसके डाटा वगैरह निकाल लेंगे। अभी के लिए फिफ्थ और एट्थ की जो आवेदन के कार्य थे वो यही है। जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं, मैं आपको अपडेट्स वगैरह अपडेट करवाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।